नमस्कार दोस्तों काल अष्टमी के इस पावन पर्व पर हमारी ओर से आप सभी को मंगल कामनाएं हम आज गणेश की ओर से आप सभी के सुखमय जीवन की कामना करते हैं दोस्तों आप में से कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि काल अष्टमी क्या है दरअसल काल अष्टमी पर्व को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है काल भैरव जयंती हिंदू महीने के कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है नवंबर और दिसंबर के महीने में एक ही दिन आता है जिसे काल अष्टमी कहते हैं दोस्तों इस दिन पूजा अर्चना करने से आप अपने सभी दुखों और कष्टों का निवारण कर सकते हैं और सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं भैरव जयंती की पूजा कैसे की जाती है इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं इसीलिए ये जो पूजा है ये रात में की जाती है पूरी रात शिव और पार्वती और भैरव बाबा की पूजा होती है अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के भैरव रूप पर राग चढ़ाई जाती है दोस्तों कष्टों से निवारण के लिए काले रंग के श्वान की पूजा भी की जाती है क्योंकि कहते हैं कि श्वान भैरव बाबा की सवारी है इन्हें भोग में कई प्रकार की चीज़ें और पकवान भी दिए जाते हैं दोस्तों इस दिन पूजा अर्चना करने वालों को किसी चीज का भय नहीं रहता और जीवन में खुशहाली बनी रहती है यदि आप भैरव जयंती पूजा का अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट डब्लू पर जाकर ऑनलाइन पूजा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इसके साथ ही दो अनमोल वचन कहते हुए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों कि किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मज़ाक मत उड़ाओ क्योंकि दोस्तों काल में इतनी शक्ति होती है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है किसी ने खूब कहा है कि न कर फिक्र की ज़माना सोचेगा क्या न कर फिक्र की ज़माना सोचेगा क्या किस जमाने को तो अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ? धन्यवाद दोस्तों